हाँ जी भाई सत श्री अकाल जी। हाँ जी भाई, भोपाल तो नागपुर रोड कभी भी बंद हो सकता आ, क्यों नदियां नाले ऐन भरे हुए जा रहे हैं, कभी भी पुल टुट सकते, इधर कोई गरंटी नहीं आ भी पुल पूरी तरह डैमेज हो चुके आ। 3 घंटे हो गए जाम च लग्या नूं, आउण माड़े आ इहदे ते पा के मिट्टी बजरी जी तो कीता इहनूं तैयार। बाकी इधर आना तो सोच समझ के आओ, गड्डी वालियां नूं बेनती है भाई अपना ऐन पुछ गिछ के चंगी तरह आना इधर, क्योंकि इन्हां पुलियां का कोई भरोसा नहीं कदों टुट जाण कदों बह जाण। पहलां दो तीन महीने पहला इधर पुल टुटिया सी, बल्बो गड्डी डिगी सी विच, वो अज तो 15 किलोमीटर पिछे सीगा, तो इहदा भी कोई भरोसा नहीं पुल का, किहड़े वेले इह टुट जावे। आ देख लो इहदी हालत काफ़ी कस्ता खराब हो चुकी है, अदा पानी का लैवल हुण डाउन होया इस करके जा रहे हैं, तो पहला वो उपर तक सीगा पानी का लैवल, झाड़ियाँ के उपर जा रहा सीगा पानी पहला। यह पुल के उपर थानी भी पानी बग चुका है, तुसी देख सकते हैं आ झंग बूटियां जी कि फसिया पुल दे विच, यह देखो। इस करके बेनती है भाई जिन्हें भी आना इधर दी सोच समझ के आयो, आ देखो झंग बेलियां कि फसिया पईआं बूटियां, पुल के उपर दी पानी क्रॉस हो चुका सीगा पहला। हाँ जी सत श्री अकाल जी, मेरा नाम प्रगट सिंह, तो मैं हजीरे तो गुजरात बनारस यूपी का रिफाइंड लैके गया सी, गड्डी नंबर PV04V9462 ते एक PV239 77 91 दो गड्डियां सी साडियां, ते 8 दिन उत्थे खाली नहीं करियां रिफाइंड वाले ने, 8 दिन खड़ा रहा। ते फिर मैं ट्रांसपोर्ट टीवी दी मदद लई, उन्होंने बहुत मदद करी मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हां दा। सारे ड्राइवर वीरां नूं मैं बेनती करना चाहुंदा, जे किते लोड़ पवे ट्रांसपोर्ट टीवी दी हैल्प लओ, ते वो अपनी हेल्प जरूर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रांसपोर्ट टीवी वाले का।